पूजा और पूजास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना मसाला। चना मसाला बनाने के लिए मैंने चनों को रात भर भिगो के रख दिया था पानी में, और अब इसे हम उबालने के लिए चढ़ाते हैं। इन चनों को मैंने कुकर में डाल दिया है और अब इसमें पानी डाल देते हैं। पानी हम इतना डाल देंगे कि चनों से थोड़ा सा ऊपर रहे। और अब इसमें हम नमक डालकर 8 सीटी लगाते हैं, और जब तक सीटी लगती है तब तक हम रुकते हैं। 1 चम्मच नमक डाल दिया मैंने। सब चने उबल चुके हैं और इन्हें अब हम छोकते हैं। छोक तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 प्याज बारीक कटे हुए, 4 टमाटर कद्दूकस किए हुए, 2 हरी मिर्च कटी हुई, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, हरा धनिया कटा हुआ। मसालों में चाहिए जीरा, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चना मसाला, हींग, नमक और तेल। अब हम बनाना तैयार शुरू करते हैं। 1 चम्मच तेल डाल देते हैं हम कढ़ाई में। बड़ी वाली चम्मच है ये, और तेल गरम करते हैं। तेल को फिल्टर करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, जिससे बिल्कुल तेल बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये बिल्कुल 1 चुटकी नमक है जो तेल में डाल देते हैं। फ्रेंड, अब तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है और इसमें हम जीरा और हींग डाल देते हैं। इसमें हम अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। इसमें हम कटे हुए 2 प्याज डाल देते हैं और इन्हें ब्राउन होने तक सेकते हैं। अब ये प्याज भून चुके हैं, इसमें हम टमाटर डाल देते हैं और हरी मिर्च डाल देते हैं। इन्हें चलाते हैं और अब हम इनमें मसाले डालेंगे। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालते हैं, 1/4 चम्मच मिर्ची, आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं जैसी मिर्च आपको पसंद हो, गरम मसाला 1/4 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इन मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं। इसे हम तब तक भूनते हैं जब तक ये थोड़ा सा तेल नहीं छोड़ देते। अब ये मसाले भून चुके हैं और इन्होंने तेल छोड़ दिया है साइड में। अब हम इसमें चने डालते हैं। चनों को अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच चना मसाला डाल देंगे। और अच्छे से मसालों को मिला देते हैं। इसमें 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इसे 1-2 मिनट पकाते हैं। अब ये मिक्स हो चुके हैं और इसे धनिया की पत्ती से गार्निश करते हैं।
और गैस को बंद करके हम चनों को निकाल लेते हैं। अब ये चना मसाला बनकर तैयार है। और अगर हम चाहें तो इसमें आधा नींबू भी डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें।